वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कन्वर्जन मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम को अभी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने कन्वर्जन मेथड के अंडर में ही टोटल सन्ड्री डेटास अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको बहुत अच्छे से समझा है और इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी करी हैं। उसी पैटर्न के ऊपर आज हम बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाएंगे और टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी फिगर्स लिखी हुई हैं आपको बेस समझाने के लिए कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट में किस तरह से फिगर्स पोस्ट होंगी। तो सबसे पहली फिगर है कैश परचेजेस 17,700। कैश परचेजेस हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारा गया है। लेकिन हम यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने जब कैश दे दिया तो कोई इसमें और कुछ काम बचा नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल की डेट में कोई भी फिगर आपको दी हुई होती है तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी आइटम है तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्ट कर देंगे बाय बैलेंस BD 8,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 31,000। हमने कैश दे दिया क्रेडिटर्स को। अगर जनरल एंट्री बनाए तो इसकी क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया हमारा, क्रेडिटर्स हमने रिड्यूस कर दिए। क्रेडिटर्स हमने रिड्यूस किए हैं तो हम इसको डेबिट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट 31,000 से। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़। इसका मतलब जो हमने क्रेडिट परचेज किया है उसको हमने अपने क्रेडिटर्स को थोड़ा सा वापस किया 1,000 रुपीज़ का। इसकी एंट्री परचेजेस से एकदम अपोजिट होगी। हम अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को फिर से डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही करेंगे। हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स को फिर से रिड्यूस कर दिया 1,000 रुपये से और यहाँ पे हम लिख देंगे टू परचेज रिटर्न। चलिए और आगे चलते हैं। बिल्स पेबल इशूड 7,400। बिल्स पेबल हमने इशू किए हैं, इट मींस क्या मतलब हुआ, इसको समझाने के लिए मैं फिर से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को रिकॉल करवाता हूँ। अब हम सोचेंगे क्रेडिटर की तरफ से, मींस परचेजर की तरफ से, जब वो गुड्स को परचेज करता है ऑन क्रेडिट तब क्या एंट्री करता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जब उसने गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट तब वो करेगा ये वाली एंट्री। इसके बाद जब सेलर आपको बिल भेजेगा कि आप सच एंड सच डेट को पेमेंट कर दोगे और आप उसको साइन कर देते हो तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। अब इस केस में हम क्रेडिटर को अब हम फिर से डेबिट कर देंगे और बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने किया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हमारी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई है, लायबिलिटी हमारी उतनी ही रही, क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो गए क्योंकि हमने उनको बिल्स पेबल की फॉर्म में ले आए हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को रिड्यूस करेंगे और बिल्स पेबल को इनक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो ये ट्रांजेक्शन्स है, इट मीन्स हम अपने क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर रहे हैं 7,400 से और बिल्स पेबल को हम इंक्रीज कर देंगे 7,400 से। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट लिखना है हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट 7,400। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और आगे चलें। क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 13,400। इट मींस ये क्रेडिटर्स का हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे दिया कि हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर में कितने हमारे क्रेडिटर्स बचे हुए थे अभी। तो आपका यहाँ आ गया टू बैलेंस CD 13,400। ठीक है, अब इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, हम इस अकाउंट को तो हम क्लोज कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें टू ओपनिंग बैलेंस दिया है जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस BD, ये नहीं दिया हुआ,
और ना ही हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सीडी, ये भी हमारे को नहीं मालूम। तो इसका मतलब बिल्स पेबल अकाउंट तो हम बना ही नहीं सकते, हम सिर्फ से एक ही अकाउंट इन इंफॉर्मेशन के ऊपर बना सकते हैं जो कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। चलिए अब इसको टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, 32,000, 7,400 और 13,400, ये आ गया स्टूडेंट्स 52,800, 52,800। इसमें से अगर हम 8,000 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास बचता है 44,800। ये हमारी है बाय, अब आपने बताना है कि ये बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, और दोनों साइड हम लिख देंगे 52,800। तो अब हमने यहाँ पे इसका एक अप्रोप्रिएट नाम देना है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, इसका मतलब ये बड़ा है, क्रेडिटर्स अकाउंट हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो आप इसको क्या नाम दोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट हमारे कब इंक्रीज होते हैं? जब हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ से आप लिख दोगे बाय परचेज अकाउंट, और आप लिख सकते हो क्रेडिट परचेजेस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखेंगे आपको एक यहाँ फिगर दी हुई है कैश परचेजेस, कैश परचेजेस उसने क्यों दी यहाँ पे, इसका हमारा कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं? इसके बेस पे स्टूडेंट्स हम टोटल परचेजेस निकाल सकते हैं। हमारी टोटल परचेजेस क्या होंगी? टोटल परचेजेस कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस है हमारी 17,700 और क्रेडिट परचेजेस हमने अभी कैलकुलेट की है 44,800, तो टोटल हो गया हमारा 62,500 हम कह सकते हैं हमारी टोटल परचेजेस है, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड है और क्रेडिट परचेजेस भी इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था आपको बेस समझाने के लिए, अब हम मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूँ जिसमें हम प्रॉपर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे और बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी इसको रब करता हूँ और दूसरी फिगर्स लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं। एक इलस्ट्रेशन से आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, उसके फिगर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनके बेस पे हमने टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है, और इसके साथ में वो कहता है टोटल परचेजेस भी बताइए कितने हुई हैं। टोटल परचेजेस का मतलब कैश परचेजेस प्लस में क्रेडिट परचेजेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है बिल्स पेबल इन द बिगनिंग, मतलब बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है। जैसे कि मैंने पहले बताया बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, अगर इसमें कुछ भी बैलेंसेज हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी 15,000। इसी तरह क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस है 18,000। क्रेडिटर्स अकाउंट भी हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, इसमें भी कोई भी बैलेंस अगर लास्ट ईयर का बचा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे बाय बैलेंस बीडी 18,000 रुपीज। और आगे चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया है, इसका मतलब जो मिसिंग फिगर होगी वो कुछ और निकल के आएगी। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हो गया टू बैलेंस सीडी 21,000। अगली एंट्री है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, तो इसको भी हम नीचे की साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये है हमारा 12,000, ठीक है। और आगे चलते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स 90,600। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो कैसे बनाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया हमारा 90,600 रुपीज से। तो इसका मतलब हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे 90,600 रुपीज से टू कैश अकाउंट। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल डिस्चार्ज 26,700। इससे क्या मतलब निकालते हैं हम डिस्चार्ज वर्ड से? पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था बिल्स पेबल इशूड, उसका मतलब था हमने और क्रेडिट परचेज किया है जिसके ऊपर हमने वाउचर पे साइन करके दे दिया है, हमारे बिल्स पेबल और बढ़ गए हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब है हमने पेमेंट कर दी है, बिल्स पेबल जो थे उनकी हमने पेमेंट कर दी है 26,700 से,
पेमेंट करी है तो या तो वो कैश से करी होगी या बैंक से करी होगी, जिसको हम चेक से बोलते हैं। तो अगर जर्नल एंट्री मैं पूछूं क्या बनेगी, तो इसकी बिल्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ऐसे ही एंट्री करेंगे ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, और हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक 26,700। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। परचेज रिटर्न 3,600, जो हमने क्रेडिट परचेज किया उसको वापस कर दिया है। इसका मतलब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, हम क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसकी अगर एंट्री बनाएं तो किस तरह बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। परचेजेस की जो हम एंट्री करते हैं उससे एकदम उल्टी एंट्री हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये वाली एंट्री हमारी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगी, यहाँ पे हम परचेज रिटर्न से हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है इसका 3,600। नेक्स्ट इज कैश परचेजेस 77,400। स्टूडेंट्स परचेज किया कैश में पेमेंट करी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ना तो हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं ना कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी एंट्री अभी कहीं पर भी नहीं होगी। तो हम अभी इनका टोटल करते हैं और इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सबसे पहले हम बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करते हैं 47,700। 47,700 में से हम 15,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 32,700। दोनों साइड हम 47,700 लिख देंगे। अब ये हमारी जो आई है बैलेंसिंग फिगर आई है, और यहाँ मेरा फिर से वही क्वेश्चन होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे। अब देखिए बिल्स पेबल अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कब होती है, जब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ बाय क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरह हम इसकी एंट्री रिवर्स एंट्री हम क्रेडिटर्स अकाउंट में करेंगे, हम क्रेडिटर्स अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे 32,700 टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर है। चलिए अब हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल करते हैं 90,600 प्लस में 3,600 32,700 12,000, ये टोटल आ जाता है 1,38,900। दोनों साइड हम यही टोटल लिख देंगे 1,38,900, और इसमें से अगर हम 18,000 माइनस करें तो ये फिगर आती है 1,20,900। ये फिर से बैलेंसिंग फिगर आई स्टूडेंट्स। और मेरा क्वेश्चन फिर से यही है कि इस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या नाम दोगे। अब आपने सोचना है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आई हुई है, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर्स कब इंक्रीज हो सकते हैं आप सोचिए, क्रेडिटर्स तभी इंक्रीज होंगे जब हम कुछ और परचेजेस करेंगे। परचेजेस तो करेंगे, साथ में क्रेडिट परचेजेस करेंगे तब क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्रेडिट परचेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको इतना। चलिए और आगे चलते हैं। एक चीज़ और वो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस में कैश परचेजेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और क्रेडिट परचेजेस हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो टोटल परचेजेस हम निकाल देते हैं। कैश परचेजेस ये आपको दिया हुआ है 77,400। इसको यहाँ लिखने का मकसद ही यही था कि आप जिससे टोटल परचेजेस को निकाल सकें। और क्रेडिट परचेजेस है 1,20,000, क्रेडिट परचेजेस हो गया 1,20,900, और टोटल आ गया 1,98,300। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हमने टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझा है और इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और इसके साथ में डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट और ये सब तो बनेगा ही बनेगा। तो तब तक आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब अगले वीडियो में हम और हायर लेवल पर जाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप
हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन सबसे ऊपर अपनी सेहत का ख्याल करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।